मिर्जापुर उत्तर प्रदेश कोतवाली लालगंज के चौकी तिलाव अंतर्गत हलिया ब्लॉक के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें काफी मात्रा में ट्रैक्टर एवं ग्रामीण जनता हलिया रोड पर प्रदर्शन करते हुए तहसील लालगंज के प्रांगण के लिए रवाना हुए। दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर किसानों द्वारा किए जा रहे ट्रैक्टर रैली के समर्थन में यह ट्रैक्टर रैली निकाली गई, लेकिन इसकी सूचना लालगंज थाने को मिलते ही पुलिस प्रशासन रजई नहर पर पहुंच कर किसानों के रैली को रोक दिया गया। वहां पर उपस्थित मनोज पटेल, पवन पटेल से जानकारी प्राप्त हुआ कि हम लोग किसान हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए 3 काला कानून को वापस करने के लिए सरकार के विपक्ष में ट्रैक्टर रैली निकालकर तहसील लालगंज जा रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया है। हलिया ब्लॉक के समस्त किसान का नारा है कि 3 कानून वापस लिया जाए। सत्यात्रा न्यूज से भूप नारायण मौड़ की रिपोर्ट। जी, तो ये कहाँ तक जलूस जाएगा? कहाँ तक जाने के लिए हुआ था? तहसील तक। तो इस ये किस स्थान पे रोका गया है? रजई नहर के पास। सर, आपका परिचय? मैं मनोज कुमार सिंह, एक किसान हूँ। रजई गांव का निवासी हूँ। किसान आंदोलन में मैं सहमति रखता हूँ, और ये किसी पार्टी का नहीं है। यहाँ सब किसान के लोग किसान हैं। पार्टी से कोई कहीं बिलोंग करता है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ सभी पार्टी और सभी समुदाय से कुल एक समुदाय है किसान, जो आजकल मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों से दमाहत आकर आज रोड पे आने को मजबूर। ये किसानों का जलूस जो है कहाँ तक जाएगा सर जी? कहाँ जाने के लिए तैयारी हुआ है? तैयारी पहले तो दिल्ली की थी, अब आज दिल्ली लेट हुआ, तो तहसील स्तर तक कई पार्टियों का, किसान समितियों का आह्वान था तहसील स्तर पे।